कभी भगवान राम बनकर तो कभी मान सिंह खुराना बनकर सबका दिल जीता था अभिनेता गुरमीत चौधरी ने, जो पिछले काफी समय से टीवी इंडस्ट्री से गुम हो चुके हैं, क्योंकि ना तो अब इनका कोई शो टीवी पर आता है और ना ही ये किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार क्यों इतने टाइम बाद और कैसे गूंजी अभिनेता गुरमीत चौधरी की आवाज़? क्या ये फिर से कोई शो में काम करने जा रहे हैं या फिर से हुए हैं किसी ट्रोलिंग का शिकार? ये कोई नहीं जानता, क्योंकि गुरमीत छोटे पर्दे पर काफी टाइम से नजर नहीं आ रहे हैं। पर इनके फिर से लाइमलाइट में आने की वजह आखिरकार क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर ये जानने से पहले आप अभिनेता के लिए लाइक करना ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है अभिनेता गुरमीत चौधरी, जो अनगिनत टीवी शोज में काम करके भारतीय जनता का दिल लूट चुके हैं। हालांकि इन्हें आज भी दर्शक फिर से छोटे पर्दे पर देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार रहते हैं। पर ये है कि किसी शो में काम करते ही नहीं, लेकिन 5 सालों बाद अचानक क्यों गुरमीत चौधरी छोटे पर्दे पर लाइमलाइट बटोर रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल गुरमीत चौधरी ने कुछ टाइम पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बीवी देवीना के साथ एक गुड न्यूज शेयर की थी, जहां पर इन्होंने फैंस को बताया था कि ये अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसे सुनकर इनके इंस्टाग्राम पर लाखों लाइक्स आए थे। साथ ही इनके फॉलोअर्स में भी इजाफा हुआ है, जो शायद इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपको जानकर सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होगी जब हाल फिलहाल के इंटरव्यू में गुरमीत ने बताया कि ये एक कामयाब एक्टर बनने से पहले एक वॉचमैन हुआ करते थे। जी हाँ, इस बात का खुलासा होते ही मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार टीवी के इतने हैंडसम अभिनेता ने क्यों और किन हालातों में वॉचमैन की नौकरी की थी। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इन्होंने 12वीं क्लास क्लियर की थी, तब ये भागकर मुंबई में एक्टिंग करने के लिए आ गए थे। पर जब इन्हें किसी टीवी शो में काम नहीं मिला, तब इन्होंने मुंबई में ही एक मॉल के वॉचमैन की नौकरी कुछ महीने तक की थी, जिससे ये अपना ठीक ठाक खर्च निकाल पाए थे। और जब इन्होंने टीवी के ऑडिशंस क्लियर किए, तब जाकर इन्होंने वॉचमैन की नौकरी छोड़ी थी, जिसके बारे में गुरमीत कहते हैं कि कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती अगर वो पूरी शिद्दत से की जाए। तो ये बात सुनते ही जहां गुरमीत के फैंस इमोशनल हो गए थे, तो वहीं गुरमीत के फैंस को इन पर बहुत ज्यादा नाज है कि एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। तो दोस्तों, आप गुरमीत चौधरी के इस बयानबाजी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।